आर्थिक सहायता देने की जरूरत मालूम हो। आगे भविष्य के लिए हर परिवार में दो पशुओं को 40,000 रुपये का प्रति पशु कामधेनु बीमा योजना लागू कराई जा रही है। 1,35,00,000 महिलाओं को 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जिससे 500 बच्चों को प्रतिवर्ष विदेश में पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। OPS ओडेड पेंशन के माध्यम से सरकारी कार्मिकों को भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। RDSS के माध्यम से कार्मिकों को व्यस्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये का पेयजल विकास कोष बनाया गया है। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है जिससे होटलियर टूर ऑपरेटर और टूरिज्म में जुड़े लाखों लोगों को लाभ मिला है। फार्म टैग रिलीफ कमीशन कृषि कर आयोग बनाया जा रहा है जिससे घटना चुका पाने वाले किसानों की मजबूरी में चुकाने पात्र हैं, उनकी जमीन नीलाम न हो सके और उसे मुआवजा दिया जा सके। लड़कियों और महिलाओं को छेड़छाड़ दुर्व्यवहार करने वाले मंत्रियों का पुलिस थानों में भारतीय रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं और इन सरकारी नौकरियों से वंचित करने के लिए नियमन बदलाव किया जा रहा है। जो बच्चे कोविड के कारण अनाथ हो गए उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। इन सभी योजनाओं की चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। राजस्थान एक मनुष्य के रूप में देश भर में सब कुछ किया जा रहा है। मैं 2 महीने पहले पत्रकार देखभाल ने गया था, मुझे बताया गया कि 30 दिसंबर 24 तक पत्रकार देखभाल ने से गवर्नमेंट के प्रोडक्ट का शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय तरीके में मिल का पत्र साबित होगा। मुझे खुशी है कि मैं दौरे करता हूँ तो मुझे कई तरह के अनुभव प्राप्त हो रहे हैं और कई लोग जो मिलते हैं ऐसे ऐसे घटनाएँ ऐसे ऐसे जो बेनिफिशरी हैं स्कीमों से उसके बाद चर्चा कर लगता हूँ मुझे कि ये योजनाएँ पूरे प्रदेशवासियों के लिए मैं समझता हूँ कि उत्साह का संचार करने वाली साबित होती हैं। कुछ घटनाएं मैं बताना चाहूँगा। पीलीभीत हनुमान के निवासी बलजेंद्र सिंह किसान हैं। खेती के लिए बैंक से लोन लेते थे परंतु फसल का घाटा होने के कारण बैंक का लोन समय पर नहीं चुका सके। धीरे धीरे कर्जा बढ़ता गया 7 लाख के पास। हमारी सरकार ने आते ही कॉपरेटिव बैंक के कर्ज माफ की और बलजेंद्र सिंह के 7,14,000 रुपये कर्ज माफ हो गए। वो कर्ज किसान बन गए। ऐसी कहानी प्रदेश से 21 लाख किसान के 15,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया। अलवरी धोनी देवी मीना को 2021 में हार्ट में परेशानी आई। उन्होंने जांच कर पता चला कि हार्ट की समस्या गंभीर है और हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना पड़ गया। निजी अस्पताल में पता करने में जानकारी मिली हार्ट ट्रांसप्लांट करीब 25,00,000 रुपये खर्चा आएगा। धोनी देवी को चिरंजीवी योजना की जानकारी मिली। वो जयपुर के एस एम एस अस्पताल में उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ 3 अगस्त को। लाभान्वित समाज कार्यक्रम में मेरी उनसे बात हुई। हार्ट ट्रांसप्लांट का 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ। आज धोनी देवी एक सच जीवन जी रहे। राजस्थान में महंगे इलाज के लिए मुझे श्री सज्जा खान मेरा शिविर परिवार के एकमात्र कमाने वाले सज्जा खान मजदूरी करते हुए दीवार रहने से नीचे दीवार के नीचे आ गए। उनके शिविर में भारी चोट आई थी जहाँ से उन्हें निकालने रेफर किया गया और फिर 5 दिन में कमाऊ रहने के बाद जिला खान का अभयपूर्ण सफल रहा। जिला के पूरे जानदार का अभियान खर्च हुआ। चिरंजीव योजना में फल होने का उनको 1 पैसा नहीं लगा। उन्होंने मुझसे कहा अगर चिरंजीव योजना नहीं होती तो मेरा परिवार अगले में कर्ज डूब जाता। इलाज के अभाव में परिवार जीवन जागर जीवन जीता। बिरोड़ा जिले के आश्रित क्षेत्र में दिवाली में ढाणी निवासी शंभुलाल दिवाली अगर 2022 में भाईकर आसन जा रहे थे मोकिमपुरा चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तब 3 माह तक शंभु का निजी चिकित्सालय मानव भोपाल चिकित्सालय में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज हुआ। इनमें गंभीर चोट की वजह से लाखों पैसे के बाद भी डॉक्टर शंभु को नहीं बचा सके और जल्दी 23 में शंभुलाल की मृत्यु हो गई। चिरंजीवी बीमा के कारण शंभुलाल की पत्नी
श्री मोदी मोदी देवी को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी गई, जिसे उनको उनके पुत्र गुलाब मुश्किल घड़ी में संपर्क मिला। चाचू निवासी लालचंद लखवा के सोने का चलने के लिए मंत्री करने में समर्थ यानी आवश्यकताओं के लिए उन्हें परिवार जनों में निर्भर रहना पड़ता, लेकिन उन्हें गांव के सरपंच से मुख्यमंत्री विशेष योगी पेंशन की जानकारी मिली। उन्हें पहले के लिए आवेदन किया, पहले मेरे 750 रुपये प्रतिमा प्राप्त होने लगे, अब उनकी पेंशन 1000 रुपये प्रतिमा हो गई, जिसमें उनके दैनिक जीवन का सामान खाद्य सामग्री की सहायता मिल पाती है। इसी प्रकार अनुपगढ़ की नानी देवी के बेटे की सरस्वती में मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी पुत्र बदल दूसरा विवाह कर देगा। नानी देवी के पोते पोते उनके पास रह गए, नानी देवी को 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन और चारों बच्चों को उनके पास रहते हैं 2500 रुपये प्रति माह 5 लाख पैसे मिलती है। बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, कोई फीस नहीं लगती, बच्चों को फ्री स्कूल ड्रेस मिलती है, बच्चों को मिड डे मील दूध भी मिल रहा है, जिससे उनका पोषण अच्छे से हो पाता है। 11 जुलाई को मेरी नानी देवी से बात हुई थी, उनकी भावना सुनकर मुझे सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की इच्छा शक्ति मेरी पैदा हुई। खेतर की जयंता देवी को स्मार्टफोन मिला, उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चे पढ़े जा रहे हैं, स्मार्टफोन से भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, मोबाइल से बात कर सकेगी, स्मार्टफोन से बैंक का काम कर सकेगी, अपने परिजनों से बात कर सकेगी, टिकट बुक करा सकेगी। स्मार्टफोन से वो पूरी दुनिया से कनेक्ट रहेगी और देश दुनिया की जानकारी में बैठ सकेगी। जब मैंने बातें सुनी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले से, मुझे लगा महिला जितनी जागरूक है कितनी जानकारी वो है, क्योंकि पूरी रचना पाटीदार प्रदेश की 40 लाख महिलाओं की तरह 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। 37 जुलाई जब मैंने उनसे बात करी, उनका कहना था कि पहले महंगाई का सिलेंडर जैसे पैसे आती थी, अब 500 रुपये में सिलेंडर मिलने से उनका रसोई का बजट सही हो गया, वही बचत हो रही है।